शाम गुलाबी है, शहर गुलाबी है, और गुलाबी शहर की बात करें तो कहाँ है हम? हम हैं और जयपुर में आए हैं, तो खाने की बात ना हो तो बॉस ये तो नाइंसाफी है। तो आज मैं आशिम आजान हर जिंदगी पर आपके लेकर आई बहुत ही स्वादिष्ट मजेदार एपिसोड ऑफ फूड गली गली स्वाद, और लेकर आ गया है स्वाद की खोज हमें कहाँ? जयपुर में। सबसे पहली जगह जहाँ पर है ये है द टैटू कैफे, जो कि है हवा महल के जस्ट ऑपोजिट। यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा, आपकी सेल्फीज, आपकी पोर्ट्रेट्स सब सॉर्टेड है बॉस। तो आइए देखते हैं इसको। क्या स्पेशलिटी है सर जो यहाँ पे अगर मैं लोग डेफिनेटली ट्राई करना? मैं सबसे पहली चीज़ तो ये बोलना चाहूँगा, लोगों को अंदर मिथ होता है एक छोटा सा कि यार हवा महल के सामने है, व्यू का खा रहे होंगे, क्या खाना अच्छा होगा, लोग अगर फोटोज के लिए आते हैं। बट हम लोगों ने ये चीज़ पहले ये सोच के रखा था कि व्यू तो हमारे पास है ही एज अ प्लस पॉइंट, बट हम खाना एक नंबर देंगे। तो हमारा नॉर्थ इंडियन इज़ दी बेस्ट, जो भी ट्रैवलर आते हैं मैं उनको ये बोलता हूँ खाना खाओ, रोटी दाल सब्जी हमारी बहुत अमेजिंग है। कॉन्टिनेंटल साइड में भी जाएंगे तो भी वो बहुत टेस्टी है, बट स्टिल मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो मैं इंडियन फूड के लिए पिच करता हूँ। राजस्थानी थाली हम लोगों के पास है जो कि दाल बाटी चूरमा वाली आती है, और जबकि लोग राजस्थान में जयपुर में आके लोग कहते हैं कि आप बहुत अलग अलग फेमस जगहें हैं थाली के लिए। लोग कभी भी टैटू कैफे को आई डोंट थिंक सो कभी किसने बोला है? नहीं करते हैं। गाइस अगर आप तुम सुन रहे हो ना, देख लो ये खुद बोल रहे हैं थाली ट्राई करो इनके आके, तो आओ और थाली डेफिनेटली ट्राई करो। अगर मुझे कोई चीज ट्राई करनी हो व्हिच इज लाइक एन इवनिंग स्नैक टाइप, तो क्या हो सकता है? बस स्नैक्स हमारे हरा भरा कबाब हैं, हमारे मिक्स वेज पकौड़ा हैं, सो ये जो चटकारे वाली जो जयपुर की चीज है ना, मैं तो यही बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि वो जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं यहीं जन्मी हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, मैं इसके सामने से लाखों बार शायद गुजरी होगी, तो अभी मैंने कभी उसको उस नजर से नहीं देखा। जब ये यहाँ छत पे आई तब मुझे लगा ना वाओ, इट्स गिविंग सच अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल व्यू 360, मतलब सामने का बिल्कुल फ्रंट व्यू ये दे रहा है। तो मैंने करण को कहा लेट्स ओपन अ स्मॉल होम कैफे ऑल्सो अलॉन्ग विद द टैटू स्टूडियो बिकॉज आई लव टू कुक। मैंने कहा जो मैं बनाती हूँ वही खिलाएंगे फॉरेनर्स को भी। फॉरेनर्स ना एक परसेप्शन लेके आते हैं कि इंडियन फूड बहुत स्पाइसी होता है, बहुत ऑयली होता है, जबकि अपन घर में ऐसा खाना नहीं खाते हैं। हम घर पे होलसम फूड बनाते हैं, हम अच्छा हेल्दी फूड बनाते हैं। सो दैट वॉज माई कॉन्सेप्ट टू सर्व देम विद इंडियन फूड व्हाट वी एक्चुअली कुक इन आवर किचन। सिग्नेचर डिश क्या है आपकी? सिग्नेचर डिश तो देखिए मैं फिर भी हमेशा ये कहती हूँ, जैसे कई सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं वो लोग ना सब बहुत फैंसी फूड खाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सिग्नेचर डिश इंडियन ही है। ट्रस्ट मी आप हमारा इंडियन खाइए, बहुत टेस्टी है। एज अ वुमन व्हाट इज़ योर थॉट, यू नो व्हेन यू रन अ बिजनेस एज अ वुमन को चैलेंजेस वगैरह आते हैं कभी? बिल्कुल आते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखा मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव थी और सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे हस्बैंड ही थे। अनटिल एंड अनलेस योर पार्टनर इज़ नॉट सपोर्टिव, आप ना एक वो मेंटल पीस नहीं रहता, आप नहीं फोकस कर पाते अपने बिजनेस पे। बट मैंने यहाँ आके देखा जब बात आती है, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए या कोई पुलिस ऑफिसर्स आए या कोई भी आए, वो ना डायरेक्टली फीमेल से बात नहीं करना चाहते हैं, उनके ना एक इनहिबिशन रहता है, वो मेल फिगर ही चाहते हैं एज द ओनर। Correct. ये मैंने हमेशा नोटिस किया है, यू नो व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट का कोई काम हुआ या कुछ और हुआ, वो करण से ही बात करना चाहेंगे। मैं ये कहता चाहती हूँ नहीं, हमें ऐसे मत समझे कि हम कम दिमाग वाले हैं, प्लीज़ हमारे में भी बहुत दिमाग है। जैसे गाड़ी के चार पहिए मिलके गाड़ी को चलाते हैं, वैसे एक बिजनेस को, एक घर को ट्रस्ट करिए, हस्बैंड वाइफ मिलके सब दोनों मिलके चलाते हैं। ऐसा नहीं कहूँगे कि मैंने ही ज़्यादा किया या करण ने ही ज़्यादा एफर्ट किया, दोनों ने मिलके एक दूसरे को सपोर्ट किया तभी चला है। तो शाम को एंड करते हैं चाय की चुस्कियों के साथ और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। जयपुर में ना कसम से इस जगह पे आना बनता है, द टैटू कैफे, इट्स अपोजिट हवा महल। यहाँ पे आइएगा, जूही एंड करण से जरूर मिलेगा, वेरी क्यूट कपल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू हर जिंदगी, दिस इज मी आशिम आजान, साइनिंग ऑफ।